हेलो दोस्तों, वेलकम टू मल्टी लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट CSC के माध्यम से कैसे फॉर्म फिलअप करना है और कैसे जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। ये सर्टिफिकेट सीनियर सिटीजन 60 साल के ऊपर यानी जो पेंशन होल्डर है उनके लिए ये सर्टिफिकेट बड़े फ़ायदेमंद है। तो इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा, तो इसलिए प्लीज़ ये YouTube चैनल मल्टी लर्निंग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसके साथ साथ लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। तो आगे का प्रोसेस जारी रखते हैं। तो सबसे पहले Google Chrome में digitalseva.csc.gov.in को ओपन करते हैं। तो आइए, तो Google Chrome खोलते हैं और यहाँ लिंक को डाल देते हैं digitalseva.csc.gov.in। ये खुल जाने के बाद CSC का पोर्टल जो है डैशबोर्ड खोल लेते हैं। जो सर्च वाला ऑप्शन है वहाँ जीवन लिख कर सर्च करते हैं, तो जो आपका पेज खुल के आएगा तो यहाँ क्लिक हेयर करना है। उसके बाद फिर एक पेज खुल के आया है, यहाँ जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ये खोलना है और जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर के लिए ये CSC पोर्टल से किया जा सकता है, यही लिखा है यहाँ। और इसके लिए कोई सर्विस फ़ी लगता नहीं है। तो प्रोसीड करते हैं। तो प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए है। तो सबसे पहले जो डिवाइस टाइप है, आप फिंगरप्रिंट वाला डिवाइस, मेरे पास फिंगरप्रिंट का डिवाइस है तो मैं फिंगरप्रिंट का डिवाइस क्लिक कर लेता हूँ। और डिवाइस नेम मॉर्फो का है तो मॉर्फो लिख लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं डिवाइस मेक मॉडल पर। यहाँ डिवाइस का मॉडल लिख लेते हैं MSO 1300E2 और डिवाइस सीरियल नंबर भी लिख लेते हैं। ये सिक्योरिटी रीजन के कारण इसे हाइड रखते हैं। तो ये हो जाने के बाद नेक्स्ट यहाँ CSC ID, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लोकेशन, पिन कोड, एड्रेस भरना है। और यहाँ देखिए लंगीट्यूड और लेटीट्यूड दिया गया है। ये लंगीट्यूड और लेटीट्यूड कैसे निकालना है ये आगे बताते हैं, ठीक है। तो सब एक एक करके कर लेते हैं। यहाँ लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड खोलने के लिए गूगल मैप में जाना पड़ेगा। तो गूगल मैप में क्रोम ब्राउज़र में गूगल मैप ओपन करते हैं। गूगल मैप ओपन करने के बाद जो पहला वाला लिंक आएगा वो वहाँ क्लिक कर लेना है। तो ये आपका जो एक मैप आया है, आप किसी जगह पर अगर पॉइंट कर माउस का लेफ्ट क्लिक अगर करते हैं तो नीचे, तो ये जगह चूज़ कर लेते हैं, किसी भी जगह, मान लीजिए इस जगह पर आपका सेंटर है, आप यहाँ का पॉइंट कर लेते हैं। देखिए नीचे एक खुल के आया है, यहाँ लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड दिया गया है। इसे आप कॉपी करके या लिख कर वहाँ उस फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं, लिख लेने के बाद मेरा फॉर्म भरा हुआ है, भरने के बाद इसे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद एक फिर नया पेज खुल के आ जाएगा। ये पेज आप जब भी खोलेंगे यही पेज आएगा, पहला वाला जो फॉर्म भरे वो नहीं आएगा, ये हमेशा यही आएगा। अब ये यही आएगा। तो यहाँ जो भी ये CSC ID आपका जो है सब कुछ डाल लेते हैं। पेंशनर का ID, आपका टाइप ऑफ पेंशन क्या है, PPO नंबर क्या है, सेंशन अथॉरिटी क्या है, जो जो है आपका यहाँ डाल देना है। उसके बाद कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर देना है। तो ये सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद फिंगरप्रिंट का ऑथराइजेशन बोलेगा। तो यहाँ जिसका जो पेंशनर का आपका सर्टिफिकेट निकालना है उनका आधार कार्ड का नंबर जो है डाल लेते हैं। इसके बाद स्टार्ट कैप्चर करते हैं। तो स्टार्ट कैप्चर करने के बाद आपका मोबाइल का जो नंबर दिया गया था उसमें एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ डाल देना है। OTP डालने के बाद आप वेरीफाई OTP कीजिए। तो आपका जीवन प्रमाण का सर्टिफिकेट का ID नंबर आपका आ जाएगा। तो यहाँ एक लिंक दिया गया है, ये लिंक में वो प्रमाण का जो ID है, जीवन प्रमाण का ID है, ID यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेना है
और OTP जो मोबाइल में आएगा वो OTP यहाँ डाल देना है, उसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद वहाँ डाउनलोड का जो ऑप्शन है, डाउनलोड का ऑप्शन आप डाउनलोड कर लीजिएगा और ये देखिए आपका सर्टिफिकेट आ गया। तो इस तरह से आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आपको हमारे YouTube चैनल मल्टी लर्निंग के माध्यम से जरूरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।